हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिल्वीकल्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाई फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और वीडियो किसी भी पॉइंट में अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई फॉरेस्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाई फॉरेस्ट को लगाया कैसे जाता है। या तो फिर इसको लगाया जाता है बीज के थ्रू एज यूजुअल, या फिर इसकी सैपलिंग्स भी लगाई जाती हैं। सैपलिंग्स मीन्स कि छोटे छोटे प्लांट्स कहीं बीजों से उगा के फिर उनको प्लांटेशन किया जाता है उस जगह पे, तो उसको बोलते हैं हाई फॉरेस्ट। और बाद में फिर वो ग्रो करते रहते हैं टॉल एंड मेच्योर ट्रीज, जिसकी जो कैनोपी होती है वो क्लोज्ड कैनोपी होती है। कैनोपी की मीन्स क्या हुआ कि सपोज दैट ये कोई प्लांट है तो इसका जो लोअर ब्रांच है वहां से लेके जो उसका टॉप मोस्ट पार्ट है, यानी जब सबसे ऊपर का जो पार्ट है वहां तक का जितने भी ब्रांचेस हैं उसको उसकी कैनोपी कहा जाता है। और जितना मेच्योर ट्री होगा उसकी जो कैनोपी होगी वो उतनी क्लोज्ड होगी। ओके, देन हाई फॉरेस्ट कैन अकर नेचुरली और दे कैन बी क्रिएटेड मेंटेन बाय ह्यूमन मैनेजमेंट। देखिए, अब जंगलों में जो प्लांट हैं और ट्रीज हैं या तो वो नेचुरली उग गए हैं, यानी कि बाय सीड के थ्रू, आपने पढ़ा होगा कि सीड डिस्पर्सल के थ्रू, या कहीं ना कहीं इंसान ने उसको प्लांट किया हुआ है। उसके पीछे उसका कोई भी रीजन हो सकता है, फॉर्डर, फ्यूल, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं फॉरेस्ट से, वो चीजें अपटेक करने के लिए। ऐसा नहीं है हाई फॉरेस्ट में कि सिर्फ वन सिंगल स्पीसीज के ही प्लांट मिलते हैं। हाई फॉरेस्ट में क्या है कि अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी बहुत देखने के लिए मिलती है। वहां पे अलग अलग टाइप के कुछ जो भी उस एनवायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं उस तरीके के बहुत सारे स्पीसीज वहां पे रहते हैं, और जो कि बहुत टॉल एंड मेच्योर तो होते ही होते हैं। फिर बात आती है कि हाई फॉरेस्ट जो है वो इवन एज्ड और अनइवन एज्ड दोनों होता है। तो यहाँ पे एक नया चीज है, इवन एज्ड और अनइवन एज्ड। तो इवन एज्ड जो चीज होती है उसमें क्या होता है कि प्लांट्स को सेम टाइम पे और सेम जगह पे ऐसे लगाया जाता है, जिससे कि क्या है उसको प्रॉपर एक टाइम पे न्यूट्रिएंट मिल रहा है और उनकी प्लांटिंग भी एक टाइम पे हुई है और वाटर उन्हें उसी टाइम पे मिल रहा है, वो एक सेम स्पीड से ग्रो करेंगे। ठीक है, सपोज दैट एक कोई फील्ड है वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है और वहां पे ट्री का प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वहां पे जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो जो प्लांट्स ट्रीज होंगे या जो स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, छोटी होंगी, और उनको हम एक टाइम पे ही प्लांटेशन कर रहे हैं उस पे। ठीक है, तो वहां पे प्लांटेशन करने के बाद क्या होता है कि न्यूट्रिएंट भी उनको सेम टाइम पे मिलता है और सेम टाइम पे वाटर या फिर जो भी इसेंशियल चीजें होती हैं ग्रोथ करने के लिए वो चीजें सेम टाइम पे होती हैं, जिससे कि वो ग्रो भी क्या करेंगे, सेम टाइम पे करेंगे। यानी कि अगर एक प्लांट की एज 1 ईयर है तो उसमें जो आसपास के जितने भी प्लांट उन सबकी एज 1 ईयर ही होगी। ठीक है, और उनकी जो हाइट है अप्रोक्स सेम होती है, तो उसको बोलते हैं इवन एज, यानी कि सब एक एज के हों। ठीक, जबकि अनइवन एज की बात आती है तो यहाँ पे 3/4 ऐसे जनरेशन के प्लांट्स या ट्रीज दिखते हैं। जैसे कि ये आपका कोई फील्ड है, यहाँ पे आपने पिछले साल 2 प्लांटेशन किए थे बस, और उसके बाद आने वाले टाइम में अपने उसके नेक्स्ट ईयर 4 या 5 से प्लांटेशन और कर दिया, तो ठीक है, जब आप ये 4-5 प्लांटेशन कर रहे हो तब तक के जो आपने पिछले साल 2 प्लांट प्लांटेड किए थे वो तो काफी बड़े हो गए हैं, है ना, तो वही आप फिर उसके अगले साल भी आप 2-3 और कर रहे, तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट बनता है वो अनइवन यानी कि सेम एज का नहीं होता है। उसमें जो उनकी ग्रोथ होती है वो अलग अलग होती है, प्लस उनकी एज जो होती है वो अलग अलग होती है। तो हाई फॉरेस्ट में इवन एज के भी हो सकते हैं और अनइवन एज के भी हो सकते हैं। ओके, और अनइवन एज के जो है वो नेचुरली भी हो सकते हैं और ह्यूमन प्लांटेशन से भी हो सकते हैं। ओके, और इसलिए मैन मेड प्लांटेशन ही ज्यादा दिखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, हाई फॉरेस्ट हैव रिलेटिवली हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेयर्ड विद कॉपीज फॉरेस्ट विच डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो देखो हाई फॉरेस्ट जो है उसकी जो डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स की ये अलग अलग जीन के वहां पे प्लांट्स हो सकते हैं, क्योंकि हाई फॉरेस्ट में नेचुरली भी प्लांट्स ग्रो करते हैं और एक तरीके से डेंस फॉरेस्ट भी है, तो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, हमें अलग अलग टाइप के स्पीसीज देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई फॉरेस्ट अनइवन एज के भी हो सकते हैं, तो
उनके पे क्या होता है कि कैनोपी लेयर्स जो होती है वो एक से ज्यादा होती है। जैसे कैनोपी लेयर्स मैं बता देती हूँ, ये कोई ये नीचे जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या है, अंडर स्टोरी लेयर्स यानी कि नीचे वाला है, ठीक है। और उससे इस ऊपर को फिर एक कैनोपी लेयर स्टार्ट होती है, ये वाली पोर्शन जो दिख रही है आपको, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट पीक पे जो होता है वो ये होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है एक रेन फॉरेस्ट का कैनोपी लेयर। तो इसी तरीके से हाई फॉरेस्ट में भी कैनोपी लेयर्स एक से ज्यादा होती है। और बात आती है अंडर स्टोरी हाई फॉरेस्ट की, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे नीचे जो ये जमीन है यहाँ पे कोई पार्क लाइक का हो सकता है या फिर डेंस वेजिटेशन हो सकती है, श्रब्स या हर्ब्स आप कह सकते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। मेनली अगर अर्बन एरियाज में है तो वहाँ पे पार्क्स वगैरह इसके नीचे बनाए जाते हैं, मींस कि बड़े बड़े प्लांट्स लगा दो और उनके अंडर स्टोरी में या तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स या हर्ब्स ऐसी कुछ चीजें ग्रो कर सकती हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग इजली जहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं, तो एक ओपन एरिया जैसा टाइप का होता है। जबकि डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है कि वहां पे ढेर सारी झाड़ियां और हर्ब्स ये सारी ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगती हैं, थोड़ा सा भी न्यूट्रिएंट अगर उन्हें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में भी वही चीज है कि अंडर स्टोरी में बहुत सारी वेजिटेशन की डाइवर्सिटी दिख जाती है, उसमें नेचुरली ग्रो करते हैं क्योंकि साथ साथ ये बड़े पेड़ों को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो जो ये वाले लैंड है यहाँ पे इसका मतलब ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स है, तो जो जो प्लांट्स इस न्यूट्रिएंट्स में या जिस प्लांट्स की सर्वाइवल कंडीशंस ठीक है तो वो वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं। अब बात आती है हाई बेनिफिट्स ऑफ हाई फॉरेस्ट। अब हाई फॉरेस्ट के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्री रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है, वो कैसे, क्योंकि आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, और साथ में O2 रिलीज करते हैं, ठीक है, O2 ऑक्सीजन जिसे हम लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रही है हमारे इन्वायरमेंट से, और CO2 को एब्जॉर्ब ना करे क्योंकि CO2 क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैस है, और इससे क्या होता है जितनी भी कंसेंट्रेशन CO2 की बढ़ेगी उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हमारे पे रेट उसका उतना बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, जिससे बहुत सारे नुकसान से हमें मिलने हैं। और साथ साथ ट्रीज क्या करते हैं कि ये जो कुछ पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं लाइक आपका डस्ट है, पॉलन है, स्मोक है, इन सब चीजों को जिससे ह्यूमन लंग्स को डैमेज पहुंचता है, इन सब चीजों को सेटल आउट करते हैं और इनको ट्रैप करते हैं। और एक एकड़ जमीन अगर हाई फॉरेस्ट है तो वहां पर से 18 पीपल के लिए प्रत्येक दिन की ऑक्सीजन रिलीज ये कर सकते हैं हाई फॉरेस्ट, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से एयर पोल्यूशन को ये रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है ट्री फाइट द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका भी हमने थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट फर्स्ट में ही पढ़ लिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो सबसे जो गैस मेन कॉज है वो है आपका CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी 0.03 बट अभी प्रेजेंट में 0.04 हो चुकी है जो कि बहुत ज्यादा है और ये एक थ्रेट भी है हम सभी के लिए क्योंकि इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग मींस कि एक ग्लोबल लेवल पे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाना जिससे कि क्या है बर्फ के पहाड़ जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लगते हैं, ठीक है, और जब वो पिघलेंगे तो आएंगे कहाँ, नीचे ही आएंगे, जिससे कि रिवर का जो स्तर है वो बढ़ेगा और बाढ़ जैसी स्थितियां उससे हो सकती हैं, साथ साथ में सॉइल इरोजन होगा। तो काफी सारे ऐसे थ्रेट्स एनवायरमेंट को फेस करने पड़ते हैं CO2 के इंक्रीमेंट होने पे, ओके। नेक्स्ट है कंजर्व वाटर एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। देखिए सबसे बड़ी बात है जो ट्रीज हैं उनके जो लीव्स होते हैं जैसे कि जो सूखे हुए लीव्स होते हैं तो बाद में नीचे गिर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को क्रिएट करते हैं सॉइल के सरफेस में, और साथ साथ में जो उनकी जो पत्तियां होती हैं जो नीचे आके सड़ जाती हैं वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, और साथ साथ में वो सॉइल की परमेबिलिटी जो होती है उसको भी इंक्रीज करती है, जिससे कि क्या होता है कि जो रन ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है कम होने लगता है, यानी कि जो रन ऑफ वाटर होता है वो कम होने लगता है बारिश के टाइम पे, और इससे सॉइल इरोजन कम होता है।
और साथ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, और सबसे कम अमाउंट में इसमें केमिकल ट्रांसपोर्ट होते हैं, साथ साथ में विंड इरोजन ऑफ सॉइल वो कम होता है ट्रीज की वजह से, ठीक है। सॉइल इरोजन मीन्स की लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, और आप सभी को बताया जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो होती है सबसे ज्यादा फर्टाइल और उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर यही चली जाएगी तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जानी है, ठीक है। तो देखिए एक कोई एरिया है जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई भी ट्रीज नहीं है, और एक सेम एक वैसा ही एक और एरिया है जहाँ पे थोड़ा बहुत वेजिटेशन है या फिर वेजिटेशन है कम्प्लीटली आप ये कह सकते हैं ट्रीज, ठीक है। देखिए दो ट्रीज यहाँ पे हैं, अब ये क्या करेंगे इनकी जो रूट्स होगी वो यहाँ तक एक्सपेंड हुई रहेगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला एरिया इतना एरिया इसकी रूट एक्सपेंड है, तो ये क्या करेगी इतना सॉइल जितना भी इसके अंदर सॉइल आता है उतने सॉइल को जकड़े रहेगी, ठीक है। और सेम इस प्लांट का भी यही हाल है, जितनी उसकी रूट होगी और उतना ही वो सॉइल को जकड़े रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पानी का बहाव इधर आता भी है तो क्या होगा जो इसके आसपास की जो सॉइल है वो क्या होगी वो पेड़ उसका रूट क्या करेगा उसको जकड़े रहेगा, तो ये जो यहाँ की इतनी पोर्शन की जो सॉइल है वो इरोड नहीं होगी, ठीक है, नहीं खिसकेगी। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पोर्शन में हम देखें तो देखिए इजिली क्या होगा वॉटर परकुलेट होगा अंदर जाएगा और जमीन हल्की पड़ेगी और जिससे कि वो नीचे को इरोडेड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है और सॉइल इरोजन में प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है। ट्रीज सेव एनर्जी मीन्स क्या होता है कि काफी लीफी ट्रीज होते हैं और एवरग्रीन ट्रीज जो देखा है एवरग्रीन ट्रीज हमें प्लांटेड करनी चाहिए, क्योंकि समर के टाइम पे क्या होता है कि अगर हम अपने घर के नॉर्थ एंड ईस्ट साइड को प्लांटेशन करें तो उससे क्या होता है कि समर में हमें थोड़ा सा शेडी बेनिफिट्स मिलते हैं, और जिससे कि क्या होता है जो हमें गर्मी होती है गर्मी कम लगती है और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी का बचाव होता है, और ये विंड ब्रेक का काम भी करते हैं, विंड ब्रेक का काम विंटर्स में करते हैं जिससे कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल का यूज होने से बच जाता है, तो इस तरीके से ये एक टाइप से एनर्जी को भी सेव करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीज मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, इट मीन्स कि जो मैच्योर ट्रीज होते हैं और टॉल ट्रीज होते हैं हाई फॉरेस्ट के वो एयर टेम्परेचर को कम कर देते हैं, और किसके थ्रू जो उसके शेड होते हैं उनके थ्रू, और साथ साथ में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं ड्राई क्लाइमेट्स में थ्रू इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर से, और सनी डेज में ये ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं और विंड स्पीड को कम करते हैं, तो इस तरीके से ये मॉडिफाई कर सकते हैं लोकल क्लाइमेट को। नेक्स्ट है इंक्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं पेड़ इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्टेबिलिटी में को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लाइक बिजनेस के लिए और टूरिस्ट के लिए टूरिज्म के लिए। बिजनेस के तरीके से अगर देखा जाए हाई फॉरेस्ट को तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी की इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसमें स्टेबिलिटी बनाई रखती है, मीन्स कि बिजनेस के पर्पजेस से, और साथ साथ में बहुत सारे हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं जैसे आपका फोडर हो गया फ्यूल हो गया और साथ में फ्रूट्स हो गए और मेडिसिनल प्लांट्स या मेडिसिन हो गई, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं, जैसे कि ट्री से बने हुए अपार्टमेंट्स हो गया या ऐसे होटल्स हो गया वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म को। नेक्स्ट है रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, देखिए अर्बन एरियाज में क्या होता है कि शोर शराबा काफ़ी रहता है, अनेक तरह के साउंड पॉल्यूशन होते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ट्रीज वहाँ पे प्लांटेशन किया गया है रोड साइड कैनाल साइड में तो वो क्या करते हैं कि जो नॉइज है जो शोर आ रहा है उसको ब्लॉक कर देते हैं, और जिससे कि एनवायरनमेंट में जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीज क्रिएट वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट डाइवर्सिटी, देखिए ये तो बात हम पहले से करते आ रहे हैं कि जितने भी ट्रीज जो है वो ग्रो करेंगे तो एक पूरा फॉरेस्ट बन जाता है, और फॉरेस्ट बन गया तो वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी हैबिटेट बन जाएगा, ठीक है। वहां पे ढेर सारे एनिमल्स आना स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 वो वहां पे ग्रो करते रहते हैं, साथ साथ में वाइल्ड लाइफ भी हमारी चलती रहती है और प्लांट डाइवर्सिटी काफी देखने को मिलती है वहां पे, स्पीसीज में वेरिएशन होता है या जीन्स में वेरिएशन होता है, साथ में जो हाई फॉरेस्ट है ये वाइल्ड लाइफ को भी एक मिनी क्लाइमेट प्रोवाइड करता है, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्बन एरियाज के लिए भी और रूरल एरियाज के लिए भी, तो वहाँ पे जो प्लांट डाइवर्सिटी जितनी होगी और उतनी क्या होगी बायोडाइवर्सिटी अलग अलग होगी, यानी कि एनिमल्स भी अलग अलग आएंगे वहाँ पे अपने कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा वाइल्ड लाइफ भी बनी रहेगी और साथ में प्लांट में भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती रहेगी। ओके नेक्स्ट है
ट्रीज इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यूज, वो कहीं ना कहीं नेचुरल कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते रहे सिटी एंड टाउन्स को, और साथ साथ में कलर्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल सीनरी इतनी ब्यूटीफुल होती है एंड लैंडस्केप एंड ऑल. तो इस तरीके से कहीं ना ट्रीज टूरिज्म को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स थे हाई फॉरेस्ट के. तो आई होप आपको ये डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.